उत्तर प्रदेशच्या फिरोजाबादमधल्या पाढम गावामध्ये मंगळवारी संध्याकाळी भीषण आग लागली। तळघरामध्ये फर्निचरच्या शोरूमला संध्याकाळी 6:30 वाजण्याच्या सुमारास आग लागली। आग तिसऱ्या मजल्यावरच्या राहत्या घरांपर्यंत पोहोचली। या आगीमध्ये एक कुटुंब अडकलं। आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दलाला 3 तासांपेक्षा अधिकचा वेळ लागला। या आगीमध्ये व्यापारी कुटुंबातल्या 6 जणांचा मृत्यू झालाय। 3 जण गंभीर जखमी आहेत। मृतांमध्ये महिला आणि लहान मुलांचा समावेश आहे। या सगळ्यांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या घटनेवर शोक व्यक्त केलाय। अपघातामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे। घरामध्ये इन्व्हर्टर बनवण्याचं काम होतं आणि त्यामुळे शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली असं आता सांगितलं जाते। प्रथम दृष्टया ये शॉर्ट सर्किट से आग लगने की समझ में आ रहा है। इसके बाद इसमें आगे हम इसमें तहकीकात कर रहे हैं। इसमें एक ही परिवार के 9 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन 6 लोग मृतक हुए हैं। इसमें से 3 बच्चे हैं और बाकी 3 एडल्ट हैं। इसमें घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से हर एक मृतक के लिए 2-2 लाख रुपये की धनराशि का अनाउंसमेंट किया गया है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।